बहुत पुरानी बात है, एक बार एक बौद्ध भिक्षु भोजन पकाने के लिए जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था कि तभी उसने आश्चर्यचकित कर देने वाला एक दृश्य देखा। उसने एक बिना पैरों की लोमड़ी देखी जो ऊपर से स्वस्थ दिखाई दे रही थी। वह सोचने लगा कि आखिर इस हालत में यह लोमड़ी जिंदा कैसे है, इसके तो पैर ही नहीं है, फिर यह अपना भोजन कैसे जुटा पाती होगी। वह अपने विचारों में खोया हुआ था कि अचानक किसी बड़े जानवर के आने की आहट मिलने लगी। उसने देखा कि जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। शेर को आता देख भिक्षु जल्दी से एक पेड़ में चढ़ गया और पेड़ पर बैठकर शेर की हरकत को देखने लगा। शेर ने एक हिरण का शिकार कर रखा था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ चला आ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया बल्कि उसे खाने के लिए हिरण के मांस का एक टुकड़ा दे दिया और फिर बचे हुए हिरण को दोबारा अपने जबड़े में दबाकर वहां से चला गया। भिक्षु को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षु मन ही मन बुदबुदाया, उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वह अगले दिन फिर उसी पेड़ पर आकर बैठ गया और छिपकर शेर के आने का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर अपने मुंह में एक शिकार दबाकर लाया और उसमें से एक हिस्सा लोमड़ी के सामने छोड़कर चला गया। भिक्षु ने सोचा कि भगवान के होने का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। वह जिसे पैदा करता है उसके भोजन का इंतजाम भी करता है। उसने निश्चय किया कि आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा, वही मेरे भोजन की व्यवस्था करेगा। यही सोचकर वह एक वीरान जगह पर जाकर बैठ गया। पहला दिन बीता, कोई नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग आए पर किसी ने भिक्षु की ओर नहीं देखा। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी। कुछ दिनों में वह इतना कमजोर हो गया कि वह चल फिर भी नहीं पा रहा था। तभी एक दिन एक महात्मा वहां से गुजरे तो उनकी नज़र उस भिक्षु पर पड़ी। वह एक पत्थर पर पलथी मारे बैठा हुआ था। भिक्षु का पूरा शरीर सूख गया था। महात्मा उस भिक्षु की तरफ गए और उसके वहां बैठने का कारण पूछा तो भिक्षु ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, आप ही बताइए कि भगवान मेरे प्रति इतना निष्ठुर, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? क्या किसी को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? महात्मा जी ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? क्यों नहीं समझे कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते हुए देखना चाहते थे, उस लोमड़ी की तरह नहीं? दोस्तों, जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमें चीज़ें जिस तरह समझनी चाहिए हम उसके विपरीत समझ लेते हैं। हम अक्सर घटनाओं को अपनी सहूलियत और अपने फायदे के अनुसार समझते हैं। एक ही बात का अर्थ दो लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग निकाल सकते हैं। हम इंसान अक्सर ऐसी बातों और घटनाओं को जल्दी सच मान लेते हैं जो हमारे पुराने विचारों से मेल खाती हैं, और अंदर से हमेशा ही ऐसी घटनाओं, तथ्यों और चीज़ों की खोज में रहते हैं जो हमारी मान्यताओं को सही साबित करती हूँ। ज़्यादातर लोग अपने आलस्य की वजह से ऐसे कामों को चुनते हैं जहाँ उन्हें कम से कम मेहनत करनी पड़े, लेकिन फिर ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के सपने तो बड़े होते हैं लेकिन वो अपनी आलस्य और कामचोरी की वजह से कभी भी उन्हें पाने के लिए उचित परिश्रम नहीं कर पाते। ये अपने कम्फर्ट जोन में ही फंसे रहते हैं। दोस्तों, सफल होना एक चुनाव है। अपने आलस्य को त्याग अपने सपनों के लिए मेहनत करना एक चुनाव है। अपने समय को बर्बाद करना या उसका सही कामों के लिए उपयोग करना पूरी तरह से हमारी च्वाइस है। हम हर रोज अपने लिए क्या चुनते हैं सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी जरूर होती है जो हमें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफल बना सकती है, बस हमने अपनी उस खूबी को अभी तक पहचाना नहीं। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे आसपास का माहौल और लोगों के द्वारा हम पर थोपे गए विचार। क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे की हरकतों पर ध्यान दिया है? जब बच्चा छोटा होता है तब उसके अंदर किसी दूसरे के विचारों का उतना प्रभाव नहीं होता। अगर आप उससे कहेंगे कि बेटा आप ये नहीं कर सकते तो उसका जवाब आएगा, नहीं अंकल, मैं यह कर सकता हूँ। और जवाब कोई दिखावा नहीं बल्कि उसके अंदर से आता है। आप कभी ध्यान देना कि छोटे बच्चे अपने सामने आने वाली कठिनाइयों को चुनौतियों की तरह लेते हैं और पूरी ऊर्जा और तन्मयता के साथ उनका सामना करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तब तक किसी ने उन्हें ये झूठ नहीं बताया होता कि ये जो कठिनाइयाँ हैं ये तुम्हारी ज़िंदगी की मुसीबतें हैं, ये तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं, तुम इन्हें हरा नहीं सकते। कठिनाइयाँ इंसान को कमज़ोर बनाती हैं
और ना जाने ऐसी कई तरह की बातें। कोई छोटा बच्चा जब चलना सीखता है और बार बार गिरता है तो वह हर बार बिना किसी आत्मग्लानि और डर के खड़ा हो जाता है और दोबारा चलने का प्रयास करता है, क्योंकि तब उसके दिमाग में किसी ने ये नहीं भरा होता कि बेटा असफल होना एक गुनाह है, असफल होने के बाद आपको शर्मिंदा होना चाहिए, आपको असफलता से डरना चाहिए। बल्कि उसके हर बार गिरने के साथ ही यही कहा जाता है कि बेटे दोबारा प्रयास करो, तुम चल क्या, तुम तो दौड़ भी सकते हो। और वो बच्चा कुछ दिनों बाद चलना और दौड़ना सीख जाता है। लेकिन उसी बच्चे के बड़े होने के बाद यही आसपास के लोग उसे कहते हैं कि तू ये नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस का नहीं है, बड़े सपने मत देख, वो पूरे नहीं होते। और धीरे धीरे वही बच्चा इन बातों को स्वीकार कर लेता है और फिर उन्हीं में से एक बन जाता है। इसीलिए आपको लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है तो खुद पर ध्यान देने की, खुद की काबिलियत को पहचानने की और यह ध्यान रखने की कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।